समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया है। नामांकन के वक्त उनके साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। इससे पहले मुलायम सिंह जिस रास्ते से नामांकन दाखिल करने जा रहे थे उस रास्ते में हैंड ग्रेनेड मिला, जिसके बाद उनके जाने के रूट को बदल दिया गया। हालांकि एसपी ने इन खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि जहां हैंड ग्रेनेड मिला वो नेताजी के मार्ग से बिल्कुल अलग है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। मैनपुरी में ग्रेनेड मिलने की और उसके मिलने के कारण माननीय मुलायम सिंह जी के रूट में परिवर्तन की बात बताई जा रही है, जो सरासर भ्रामक है, गलत है। ग्रेनेड मिला है, पुराना है, जंग लगा हुआ है और एक नहर के बीचे बीच में गड़ा हुआ था। नहर में पानी कम होने से बच्चे वहां नहा रहे थे, बच्चे उस ग्रेनेड को बाहर खींच लाए, इसमें जंग लगा हुआ है और प्रथम दृष्टया डिफ्यूज प्रतीत होता है, पुराना प्रतीत होता है। और ये ग्रेनेड जहां मिला है वो माननीय मुलायम सिंह जी के रास्ते से बिल्कुल अपोजिट की तरफ है, उल्टी दिशा में है। उस ग्रेनेड के मिलने से जो डिफ्यूज है, पुराना है, नेताजी के नामांकन के आने में, उनके रूट में, मार्ग में कहीं कोई व्यवधान, कोई परिवर्तन नहीं है, ना कोई सुरक्षाओं की तरफ कोई खतरा है। गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। 23 साल पहले 1996 में मुलायम सिंह यादव अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव मैनपुरी सीट से जीत कर ही संसद पहुंचे थे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।